वो ये रिकॉर्डिंग शुरू, ठीक है। अब यहां से मैंने आइडिया ले लिया, आपने तो इसमें पहले वर्किंग कर ली है ना अच्छे तरीके से कि भाई कितनी गिग्स लगी हुई हैं, कितनी रिस्पॉन्सिव गिग हैं और वो टाइटल क्या यूज कर रहे हैं, फिर उनको देखकर आपने अच्छा सा टाइटल बनाना है खुद से, ठीक है। सपोज कर लेते हैं जी कि हम ये बना रहे हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड, वर्चुअल बिजनेस कार्ड। ले जी, मैंने इसको पिक किया, इसको फिलहाल मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी नहीं करना आपने, आपने खुद से वर्किंग कर लिया, बेशक एक डॉक्यूमेंट तैयार कर ले पहले कि क्या चीज आपने बनानी है, अपना कंटेंट कॉपी करना है आपने, ठीक है। गिग अगर हम कॉपी करेंगे ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी इसके ऊपर, लेकिन गिग रैंक नहीं होगी आपकी। तो आपने गिग को अगर रैंक करवाना है तो कंटेंट री रैंक करना है अपना, ठीक है। लेकिन आपने, अब मुझे पता लग रहा है ना कि पहले नंबर पर गिग आई हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कंटेंट अट्रैक्टिव है, तो मतलब आपने इस तरह का ही कंटेंट बनाना है, ठीक है। चलिए जी, इसको हमने किया कॉपी और इधर आ जाता हूं मैं अपने वाले अकाउंट में, और ये आ रहा है हमारा आई विल डू, तो यहां पर पेस्ट कर दें इसको, आई विल डू मैं खुद लिख देता हूं, के बाद क्या कहता है जी, वो कहता है शॉर्ट एंड टाइटल अट्रैक्ट मोर बायर्स। नहीं नहीं मोबाइल से नहीं, ये भी हमने पूरे यूज कर लिए हैं, इसमें क्या चीज आ रही है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई विल डू डिजिटल बिजनेस कार्ड, वर्चुअल कार्ड, डिजिटल बिजनेस कार्ड, डिजिटल डिजिटल वर्चुअल, इसको हम जरा छोड़ देना, शॉर्ट एंड करने लगाऊंगा। हाँ 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 मैच भी नहीं, आई विल डू डिजिटल। अच्छा यहाँ पर कॉमा वगैरह भी नहीं अलाउड कैरेक्टर्स, ठीक है, वो भी नहीं यूज करने हमें, यानी सिंबल अलाउड नहीं है यहाँ पर। नंबर नंबर लिख सकते हो और कैरेक्टर्स लिख सकते हो, अच्छा जी कहता है जी ये ठीक लग रहा है, अब आप इसके अंदर क्या करें, लुक्स गुड, अभी इस तरह का एरर अगर आ रहा होगा, हाउ एवर शॉर्ट टर्म कहता है इसको अगर छोटा कर लें, तो हमने क्या लिखा जी, आई विल डू डिजिटल वर्चुअल बिजनेस कार्ड, इसको हमने एक मिनट है इसको रिमूव कर देते हैं। यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, यहां अमेजिंग का वर्ड यूज कर लें, अमेजिंग प्रोफेशनल की बजाय ना मैं अमेजिंग, क्योंकि प्रोफेशनल क्लाइंट को क्या अट्रैक्ट करेगा, हाँ अमेजिंग कर देते हैं ना, तो इट्स फाइन, अब ठीक हो गया। तो वैसे तो वो आपको 80 करेक्टर्स की चॉइस देता है, लेकिन वो ये कहता है कि आपने बिटवीन 40-50 के दरमियान रखेंगे तो अच्छी बात है कि आप छोटे से कंटेंट में अपना मैसेज समझाएं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया हमारा, अगला हिस्से में क्या करना है देखें, अब हम लोगों ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये देखें नीचे क्या आ रहा है स्क्रीन पर देखें, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो फिर आप फिर नहीं कर पाएंगे, मतलब ये मैं चाहता हूँ आप खुद बनाएं, मतलब मैं पास बैठा हूँ ना, कुछ गलत होगा तो मैं बताऊंगा ना, लेकिन आप सजेस्ट करेंगे ये करें सर। ये देखिए नीचे क्या आ रहा है, सजेशन आ रही है ना, तो कह रहा है कि भाई ये कैटेगरीज हैं जहां पर आप बना सकते हो, पहली वाली बिजनेस कार्ड की कैटेगरी आ रही है, इसी को चूज कर दूं मैं, अदरवाइज मुझे क्या करना था, यहां से चूज करना था ना, एक निकालना था, उसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया, सो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आ गया खुद से ही। अच्छा अब अगले स्टेप में जाओ, अब वो क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू डिजाइन, बिजनेस कार्ड्स, कुछ और भी करने हैं आपने तो बता दो, ठीक है। चलिए अगर करनी है तो वो भी बता, ये बता सकते हैं, ये हो गया या ये हो गया, इनमें से हम कहते हैं बिजनेस ये हमारे। अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहा है, वो कहते हैं 5 टैग्स लगाएंगे और हर टैग की जो तो लेंथ है वो 40 करेक्टर्स होगी, यानी हर टैग आपने 20 करेक्टर से बड़ा कोई टैग नहीं लिखना, ठीक है। टाइटल के अंदर कोई कीवर्ड रिपीट नहीं करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई कीवर्ड बार बार टाइप नहीं करना, ठीक है, यानी एक वर्ड की रेपिटेशन भी नहीं करनी आपने, ये सारी चीजें हैं जो कि उसको अप्रूव नहीं होने देंगे, यानी जैसे मैं अभी लिख रहा था पहले टाइटल अप्रूव नहीं हो रहा था ना, रेड कलर आ रहा था ना उसमें, तो हमें उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलना है। अच्छा अब मैंने एक विंडो खोली थी ना साथ आपको समझाने के लिए, कीवर्ड्स इधर से हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कौन से देख रहे हैं ये भी बताता हूं, यहां से शायद ये
अब आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि ज्यादा नंबर ऑफ गिग्स वाले कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। अब देखें सबसे ऊपर क्या आ रहा है, देख लें एक बार, फिर वहां जाके आपने मुझे बताना है, मैं लिखूंगा। बिजनेस कार्ड पर 36 है, बिजनेस कार्ड डिजाइन ये भी ठीक है, लग्जरी नहीं इसकी नहीं हमें जरूरत थी, ये हालांकि इस पर 11 है, लेकिन ये कुछ समझा नहीं रहा कि क्या चीज है ये, सिंपल ये वर्ड है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे डिजाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटर हेड और बिजनेस कार्ड्स। चले जी आ जाए वापस यार, अब आपने मुझे बताना है। अब तो हम लिखते हैं बिजनेस, पहला क्या था, बिजनेस कार्ड था, उसके बाद क्या था, अच्छा देखें हमने अपनी मर्जी से नहीं कुछ लिखना, बताऊं क्यों, हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए कि आप अपनी मर्जी से लिखेंगे तो इसका मतलब है शायद वो आपके ज़हन की बात है, वो तो आप टाइप करोगे तो आएगा ना। हम ये देख रहे हैं कि किसको उसने कीवर्ड बनाया हुआ है, कि बहुत सारे लोग उसे टाइप कर रहे हैं, जिसको ज्यादा लोग टाइप कर रहे हैं हमें वो लिखना है, जिसे एक जैसे मैं एक यूनिक सा वर्ड निकालूं और मुझे हो गया यार ये तो बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन उसे कोई टाइप ना करता हो, मतलब क्या होगा, मैं तो ऊपर नहीं आऊंगा ना, मैं तो रैंक नहीं करूंगा, मुझे तो उनको रैंक कराना है। ये देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं आपको, बिजनेस कार्ड डिजाइन, इसको 25 है ना, ठीक है, सो मैं यहां पर बिजनेस कार्ड डिजाइन लिखूंगा, बात समझ में आ रही है, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड में कोई क्यों ना सिंबल की जरूरत है, कीवर्ड में सिंबल होना ही नहीं चाहिए ना, कीवर्ड का मतलब क्या है, कीवर्ड का मतलब जैसे आप गूगल नहीं करते हो तो गूगल में आज तक कभी आपने सिंबल लगाकर कुछ सर्च किया है, कभी भी नहीं किया होगा, नंबर लगाकर भी कुछ सर्च नहीं किया होगा, लेकिन अगर कोई हमारी कीवर्ड इस तरह का हो जिसमें नंबर हो तो लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे जो इस वक्त जो हम लोगों ने गिग पे किया इसमें तो नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, सो इसमें तो हम नहीं यूज करेंगे, सिंबल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा अब और आगे देखें कौन सा अच्छे वाला है, स्टेशनरी 9 है लेकिन हमने उसको चूज नहीं किया था, अच्छा जी ये भी ठीक है। अब ये क्या है, लग्जरी बिजनेस डिजाइन, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं लग्जरी को, क्या था बिजनेस, आगे क्या लिखा हुआ था, कार्ड के डिजाइन, कार्ड, चलो कितने हो गए, 4 हो गए, अच्छा यूनिक है इधर, 5 है, ठीक है, चलो ये भी लगा लेते हैं। ये 5 लिखने हैं और एक कीवर्ड की लेंथ 20 होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, यूनिक एक रह गया। अब एक देखते हैं कि जिस पे ज्यादा गिग्स हो उसको प्रेफर करें, यहां से लोगो डिजाइन तो नहीं है, बिजनेस कार्ड आपका नहीं होता, लेटर हेड भी नहीं बिजनेस कार्ड होता, आप बिजनेस कार्ड से रेलिवेंट देखें। हम स्टेशनरी को भी इसलिए यूज नहीं कर रहे कि स्टेशनरी की कैटेगरी लदा थी, देखी थी ना आपने, लदा ऑप्शन आ रही थी, वो इस कैटेगरी में आता नहीं है, मॉडर्न, एक और टर्म हमने यूज की थी अमेजिंग की, टर्म की थी ना, तो अब वो टाइटल में भी है, तो उसको अगर हम यहां भी दे देंगे तो अच्छा वर्ड हो जाएगा हमारे लिए, तो हम यूं कर देते हैं जी। ट्वेंटी करेक्टर से ज्यादा हो गए है ना, इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ये मैंने खुद से किया, हाँ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह टाइपिंग की है सारी, अगर आपने 20 करेक्टर से ऊपर कोई कीवर्ड लिख दिया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये 20 से ऊपर हो चुके होंगे कि नहीं होंगे, चलो जी दोबारा लिख लेते हैं, अमेजिंग एंड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड सैंपल, बहुत लंबा कर दिया मैंने ना, हाँ 20 से ऊपर हो गया होगा ना, हाँ 20 से ऊपर हो गया, बहुत लंबा हो गया, चलो जी ठीक है, मैंने खुद किया लंबा, सेव करें इसको, ये देखिए यहाँ पर आगे फंस गया, दो तीन चीजें हमें बता रहा है, कहता है टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स, कहता है आपने जो टैग लिखा है ये 20 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है, टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग विद मोर देन 3 वर्ड, और कहता है
है आपका जो टैग है वो कितना बड़ा होना चाहिए, 3 वर्ड्स वाला होना चाहिए। आई थिंक बाकी के सारे 3-3 वर्ड्स वाले ही है ना, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। तो हम इसको वापस कर देते हैं, अमेजिंग बिजनेस कार्ड वापस कर देते हैं इसको। ये तो आपको समझाया है कि आप घर में जब काम करो ये एरर आए तो आपने इसे किस तरीके से खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे जी। अब क्या हुआ जी, टैग लिस्ट कंटेन टैग विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। कौन सा टैग है अभी जिसके 20 से ज्यादा है? हाँ ये वाला, इसको खत्म करें जरा। चलो ये 2-3-4-5 हाँ इसके भी ज्यादा है, इसके भी ज्यादा है, मुझे तो लग रहा है इसके भी ज्यादा होंगे फिर। नहीं नहीं हमने सिर्फ कार्ड नहीं लिखा, हमने की इनको बड़ा इम्पोर्टेंट, ये यही तो मेन चीज है आपकी वीक को रैंक करने के लिए, यानी हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना। हाँ इधर देखते हैं कि सिंगल वर्ड वाला है जो हमें ठीक लग रहा हो तो हम उसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखे ना बिजनेस कार्ड, ये छोटा है ठीक है, बिजनेस कार्ड डिजाइन, ये लिखा था कि नहीं लिखा था हमने? देखिए इधर आए, ये लिखा हुआ है, इट्स ओके। आगे देखें और कौन सा आ रहा है, ये लिखा हुआ यूनिक बिजनेस कार्ड। चले हम यूं करते हैं कि ये वाला बीटा में, ये क्या है बिजनेस कार्ड्स, इसमें कार्ड लिखा हुआ है, इसमें कार्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है इसको भी हम यूज कर लेते हैं। और देखें जी और कौन सा होना चाहिए, डिजाइन कर ले थैंक यू कार्ड। अच्छा नहीं वो बिजनेस कार्ड की कैटेगरी में तो नहीं आएगा डिजाइन। और एक हम लिख लेते हैं कार्ड डिजाइन, कितने हो गए हम? 5 भी हो गया, मेरा ख्याल है कि अब इनमें कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा, अब नहीं है ना, आगे चला गया। किसी जगह पे नहीं एरर आया हुआ, मैं किसी जगह पे एरर नहीं है तो करें सेव एंड कंटिन्यू। अब अगले स्टेप पे आ गया, जी इसे तो बंद करें पहले। अभी हम आ गए ऑफर में, बेसिक ऑफर में आ रहे हैं हम लोग। अब आप ये देखें जरा यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं, जय मुझसे ना डबल क्लिक हुआ था। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, नेम पैकेज, ठीक है। नेम पैकेज का क्या मतलब है, कहता है आप एक ऑफर दे रहे हैं तो उसके पैकेज का भी कोई नाम रख लो। यहाँ पर आए जरा, जैसे लिखा हो ना बेसिक, तो अब हम ये काम करते हैं कि हमने जो टाइटल में वर्ड इस्तेमाल किए थे उनको एक शॉर्ट डिफाइन करने के लिए अपने पैकेज का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। शॉर्ट टाइटल क्या था हमारा, अमेजिंग बिजनेस कार्ड। कर्सर भी अभी नजर नहीं आ रहा, अब आ गया अमेजिंग, नहीं वो टाइप होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। ये सर हम अपने पैकेज का नाम रख रहे हैं, कोई मुख्तसर सा नाम रख लें, इसका कीवर्ड्स का कोई ताल्लुक नहीं है इसका, लेकिन वैसे ही हम कह रहे हैं कि किसी को हमारा पैकेज देख के भी पता लगे कि हम किस तरह की ऑफर दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, तो नाम रख रहे हैं ना, वो खत्म होगी बात। वो हम कहाँ पर यूज कर रहे थे, कीवर्ड्स में यूज कर रहे थे, अभी डिस्क्रिप्शन की बारी आई नहीं है मेरा ख्याल है। आगे क्या लिखा हुआ रहा है, डिस्क्राइब द डिटेल्स कि आप क्या ऑफर दे रहे हो। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ रहा है, डिलीवरी टाइम कि आप कितने टाइम में इसको डिलीवर करोगे, वन डे डिलीवरी, ठीक है। सपोज कि ये आपकी चॉइस है ना, ये तो आपकी मर्जी है आपने कितनी देर में करनी है। इसका तरीका, हाँ इसका तरीका ये है कि आपने देखना है कि जो ऑफर आप दे रहे हो, ये ऑफर देने वाले जो बाकी के लोग हैं वो कितनी देर में डिलीवरी कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग कितनी देर में डिलीवरी इसकी चाहते हैं, कि उन्हें कितनी देर में ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उधर से आपने ले लेना है,
डिपेंड्स करता है, दो दिन का भी होता है कई लोग, कई यही मैं कह रहा हूँ ना, आप दूसरों के ऑफर देख लें, एक मिनट इसको देख लें, अभी पता लग जाता है। बताएं जरा क्या कह रहा है, वन डे डिलीवरी कह रहा है ना, कह रहा है एक दिन में इसकी डिलीवरी जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ जी, रिवियंस। रिवियंस का क्या मतलब होता है कि भाई आप से कोई बंदा कहेगा कि भाई इसको ठीक कर दे थोड़ा सा, और ये इसको इस तरह कर दे, इसको इस तरह कर दे, इट इज कॉल्ड रिवियन। ठीक है, तो आप उसे कितनी रिवियंस देना चाहते हैं, इस में हम कह देते हैं दो, ये आपकी चॉइस है, इसके ऊपर हम बहस नहीं करते। मैं कहीं इस पर हम बहस नहीं करते ना, ये तो आपने खुद से देना है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है जी, डिजाइन कॉन्सेप्ट। डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या, द नंबर ऑफ डिजाइन वेरिएशन। डिजाइन कॉन्सेप्ट से क्या बराबर है कि भाई आप उसको ऑप्शन कितने देते हो, जैसे मैं कहता हूँ ना मेरा बिजनेस कार्ड बनाकर दे दो, तो आप एक ही कार्ड बनाकर ले आते हो, मैं कहूँ ये तो नहीं मुझे पसंद आया, फिर आप घर चले जाओगे। तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप एज ए डिजाइनर कुछ पांच छह ऑप्शन लेकर जाओगे, सर ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा था ना लोगो डिजाइन करें, तो लोगो भी अगर आपने डिजाइन करना है तो पांच छह ऑप्शन रख लो, इट इज कॉल्ड डिजाइन ऑप्शन। ये कितनी दे रहे हो, ठीक है, कि डिजाइन कॉन्सेप्ट कितने दे रहे हो आप, सपोज कर दिया जी हम, इसका मतलब क्या हुआ, ये उसको सूट करेगा ना, मतलब डिजाइन कॉन्सेप्ट किसी भी बायर को सूट करेगा। अगर आप उसको एक डिजाइन कॉन्सेप्ट दोगे तो तंग ही होगा ना, उसको पसंद नहीं आएगा, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा, फिर आप नए सिरे से उसी पे काम करना शुरू हो जाओगे, तो वो पसंद करेगा कि आप डिजाइन कॉन्सेप्ट से ज्यादा दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें से जो चीजें हम देना चाह रहे हैं, प्रिंट रेडी यानी कि प्रिंट भी हो सकता हो, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का क्या मतलब है, फोटोशॉप में बनाया, प्रीमियर में बनाया, कोरल ड्रा में बनाया, एलिस्ट्रेटर में बनाया, जिस टूल में भी बनाया वो टूल उसको दिया। ठीक है, अब ये अगर आप नहीं देना चाहते इसे ऑफ कर देंगे, इसका आपको फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम इसे जब कुछ चेंज कराना होगा तो आपसे ही कराएगा, लेकिन अगर आप इसे सोर्स फाइल नहीं देंगे तो वो कहेगा भाई ये बंदा तो मुझे सोर्स फाइल नहीं दे रहा, मुझे अगर बाद में कहीं मैं फंस गया मैं क्या करूँगा, मेरा तो काम खराब हो जाएगा सारा, तो मांगेगा वो आपसे, लाजमी मांगेगा। ठीक है, तो आप कहते हो ले लो मुझसे सोर्स फाइल। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है जी, डबल साइडेड, ये भी आपको पता ही है, आपकी चीजें आ गई, सारे क्वेश्चंस आपसे मुतल्लिक है, आप डिजाइनर हैं, आपको पता है कि डबल साइडेड कार्ड कौन सा होता है, सिंगल साइडेड कार्ड कौन सा होता है। अच्छा, ईमेल सिग्नेचर उस पर बने हो आपके, ठीक है, ईमेल सिग्नेचर क्या होते हैं पता है ना आपको, ईमेल वगैरह का भी उसमें आपने ऑप्शन देनी है जी। और क्या लिखा हुआ जी, शिपिंग, शिपिंग के ऑप्शन को भी हम ऑन करते हैं। नीचे ये क्या आ गया, प्राइस आ गई आपकी, कहता भाई कितनी प्राइस, मिनिमम $5। अब आपने ये भी देखना है हमारा कंप्यूटर कितनी प्राइस देता है, ठीक है, और अभी आप लोग सिंपल पैकेज के साथ अपनी गिग लगाओगे। और एक और चीज भी देखें, जो लोग गिग करते हैं ना, कि जो प्राइस होती है ये मैटर नहीं करती है इतना, ये प्राइस है इसलिए मैटर करती है कि आपकी गिग शो होती है, अदरवाइज तो जब आपकी कम्युनिकेशन शुरू होती है बंदे से, फिर वो आपको अपनी डिमांड बताता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि आप ये तो आप गिग लिख रहे हो ना, बायर तो नहीं लिख रहा, कि बायर तो नहीं बता रहा कि मुझे क्या चाहिए, ये तो आप बता रहे हो कि मैं ये दे रहा हूँ, अब आपको इसके बाद बायर बताएगा कि वो क्या देगा। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई $10। ये एक्स्ट्रा डिलीवरी हम ऑफ कर रहे हैं फिलहाल, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहे हैं ना, हम कह रहे नहीं अभी फिलहाल सिंपल सी हम गिग लगा रहे हैं जी। ये चीजें हमने ऐड कर दी थी सारी, प्रिंट रेडी हमने ऐड किया था मेरा ख्याल है। ठीक है, अभी हमें अगर एरर आएगा तो यहां पर हमें आके रोकेगा, इसे ऑफ कर दें ऑफर पैकेजेस को। देखिए ऑफर पैकेजेस को मैंने ऑफ किया, क्या हुआ, सब चीज़ें चली गई, कहता है आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, चले जी मैं यूँ करता हूँ फिलहाल यही वाली डिस्क्रिप्शन इधर उठा के रख देता हूँ। जी जी जी, ठीक है, तो फिर ठीक है।
बस तैयार हो गया आपसे लैब से पता कर लेना सर शेयर साहब से ठीक है सर ठीक है हाँ जी आगे देखें जरा क्या है। अब हमने प्राइस से बाहर आ गए यानी उसने ओके कर दी हमारी प्राइस तो जो एक्स्ट्रा पैकेजेस थे उसे मैंने ऑफ कर दिया अभी फिलहाल ठीक है तो क्लियर हो गया। अगर वो इशू इतना सारा आ रहा था ना जिसे देखे आपने डर जाना था कि क्या करना है हमने तो आपने उसे सिर्फ ऑफ कर देना बटन को ऑफ कर दिया। उसके बाद आगे कहाँ पे आ गए अभी नहीं कर मैं कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं होता जाने की अभी पहले एक वीक तो लगाओ ना ठीक है। स्टैंडर्ड प्रीमियम का मतलब क्या बेसिकली जैसे आप यहाँ पर आते हो ना आप कहते हो मुझे एक्सेल सीखना है जैसे हम ये कहेंगे 8, 9, 10 का एक बच्चा के एक्सेल सीखना है फिर एक एफएससी का बंदा कहेंगे मुझे एक्सेल सीखना है फिर एक कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहेंगे हमें एक्सेल सीखना है फिर हम ये कहते हैं जी एक आदमी जो है जॉब कर रहा है अकाउंटेंसी की कहीं पर वो कहता है मुझे एडवांस एक्सेल सीखना है। अब पैकेज डिफरेंट हो गया ना सबका यानी कि ट्रेनिंग भी डिफरेंट हो गई यानी जो स्टूडेंट था छोटा था जो 7वीं 8वीं का बच्चा था उसको तो बहुत बेसिक लेवल का आप एक्सेल सिखाओगे ना। इसी तरह जो पैकेज हम दे रहे हैं उसमें भी हम यही कह रहे होंगे कि जो आपका पैकेज बढ़ता जाएगा आगे की तरफ को तो आपकी चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी ठीक है ना। जैसे अभी हम कंसेप्ट आइडिया जैसे 3 देकर आए थे कि भैया हम आपको 3 डिज़ाइन का ऑप्शन देंगे हम आपको 2 रिवीजन्स देंगे तो जब आप पैसे बढ़ाओगे तो क्या करोगे आप रिवीजन्स बढ़ा दोगे कॉन्सेप्ट बढ़ा दोगे सर्विसेज बढ़ा दोगे तो फिर अपने डॉलर्स भी बढ़ा दोगे ठीक है। अभी फिलहाल आप एक ऑप्शन लगाएंगे उसके बाद वो बंदा आपसे रब्ता करेगा इनका कोई भी फायदा नहीं है इनमें से कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है। फाइनल कब होती है जब आपकी कम्युनिकेशन होती है तो पहली गीत तो आप इस तरीके से लगाओ ठीक है। ये जी मैं अब कहाँ आ गया हूँ आगे डिस्क्रिप्शन में आ गया इस पार्ट में आकर आपको नई डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए मैंने क्या किया जो डिस्क्रिप्शन उसने लिखी है वो यहाँ पेस्ट की और आपको मैंने पहले लेक्चर में एक टेम्पलेट भी बनाकर दी थी कि प्रोफाइल बनानी है अपनी तो इस टेम्पलेट को यूज़ कर लो और गिग लिखनी है वो दी थी ना तो उस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए थोड़ा बहुत उसे चेंज कर लिया करें और अपनी गिग लिख लिया करें ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होगी अगर ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर है आप भी ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपकी ऑफर्स तो सेम ही रहेंगी ना ये तो नहीं हो सकता कि आप ये ऐसा लगे कॉपी किया होगा सब ग्राफिक डिज़ाइनर एक ही चीज़ें दे रहे होंगे तो जो चीज़ें कॉमन वो लिखी रही जा सकती हैं लेकिन जो चीज़ें आप कस्टमाइज लिख रहे हो अपनी तरफ से वो आप अपनी लिखो सिर्फ ठीक है। तो जैसे मैंने फिलहाल ये कर दिया अभी हमने और ये देखिए क्या लिखा हुआ है सम ऑफ माई बिजनेस कार्ड सैम्पल्स आर हियर कहाँ लेकर जा रहा है देखिए लेके जा रहा है ना फ्लिकर पर आप फ्लिकर पर भी लेकर जाएं फिर भी हैंड स्टॉप भी लेकर जाएं लिंक्डइन पर भी अगर आपने कुछ काम किया हुआ है उधर के भी लिंक दें ताकि वो बंदे को गारंटी हो जाए कि आप वाकई प्रोफेशनल हैं कि भाई आप काम कर रहे हो। इसी तरह अगर आपने किसी की वेबसाइट के ऊपर डिजाइनिंग की हो तो उस वेबसाइट का URL दे दो कि इसके ऊपर हमने ये वाले डिज़ाइन बनाए हैं तो आपने देखना होता है इसके होम पेज के ऊपर जो बैनर लगा हुआ है वो हमारा बनाया हुआ बैनर है ठीक है। चलो ये भी हो गया सेव एंड कंटिन्यू आगे आते जा रहे हैं हम लोग जी आगे क्या तो है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि भाई आप ने भी कोई बात उससे पूछनी है। इसमें एक चीज़ गुजर गई है जो मैंने गुजार दिया जल्दी से वो क्या थी FAQs। FAQs भी मैंने आपको टेम्पलेट्स दिए थे कि भाई FAQs भी आपके डिज़ाइनिंग वाले होने चाहिए वो भी आपने 3-4 लिखने हैं। FAQ लिखने से भी आपकी गिग रैंक होती है कि भाई आप कस्टमर को जो है ना अकोमोडेट कर रहे हो उसे बता रहे हो कि उसके जेहन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके जवाब क्या है। ये भी मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको दिया था जो फाइल दी हुई है उसमें FAQs भी थे उसमें प्रोफाइल भी थी उसमें डिस्क्रिप्शन भी थी तीनों चीज़ें थी उसमें। और अगर आपको देखना है कि भाई जो दूसरे डिज़ाइनर हैं वो क्या कर रहे हैं तो ये देखिए मैं दूसरे डिज़ाइनर की गिग पे आ गया हूँ ये ऊपर FAQ का बटन बना हुआ है मैंने इस पर क्लिक किया आगे इसके सारे FAQs। अब आपको अंदाजा हो गया कि वो क्या पूछने लगा हुआ है ऑल बिजनेस कार्ड्स आर कस्टमाइज्ड ये आपने सवाल खुद लिखा है और इसका जवाब भी आपने खुद ही लिखना है। यस ऑल बिजनेस कार्ड्स एंड ऑल अदर डिज़ाइंस आर फुली लेयर्ड एंड कस्टमाइज्ड जी उसके देर में क्या सवाल आ सकता है आपने खुद ही क्वेश्चन बनाना है और खुद ही उसका आंसर करना है ठीक है। अब आते हैं इधर आगे अब हम क्या कह रहे हैं अब वो क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है आपको भी कुछ उससे पूछना है ठीक है जी। अब आप बना क्या रहे हो यहाँ पर
हम बिजनेस का आर्ट, ठीक है। जैसे मैं एक सैंपल के तौर पर कह देता हूँ, क्वेश्चन की ऑप्शन आ रही है ना, चलिए मैंने उससे कहा कि मुझे अगर ये चीज मिल जाएगी तो मुझे सारा उसका पता लग जाएगा बिजनेस का। डू यू हैव वेबसाइट एंड प्लीज शेयर लिंक। अगर तो उसकी वेबसाइट बनी है तो अपनी वेबसाइट का लिंक देगा तो मुझे उससे देख के अंदाजा हो जाएगा कि वो उसका कंटेंट क्या है, वो मुझे उसकी यहाँ पेज हो कुछ भी हो। जैसे मैंने वेबसाइट लिखा है, डू यू हैव एनी वेबसाइट और सोशल मीडिया। चलो वेबसाइट नहीं होगी तो फेसबुक पेज तो होगा ही ना, इंस्टाग्राम पेज तो लाजमी होगा, ये चीज़ें तो होती हैं सबकी। तो हाँ, तो वो जब आप उसको देखोगे तो आपको डिजाइन करने में सहूलत होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो हम उससे पूछ रहे हैं। वो क्या कहता है, गेट इन इन फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट। वो सिंपली टाइप करके आपको उसका जवाब देगा। फ्री टेक्स्ट का क्या मतलब है कि वो टाइप करेगा और आपको आंसर कर देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं ना जिसमें आप उससे यस नो की सूरत में पूछ रहे हो, तो फिर वो फ्री टेक्स्ट नियम रखेंगे, ठीक है। अरे मल्टीपल चॉइस की सूरत में हम कहते नहीं फ्री टेक्स्ट। चलो सेव एंड कंटिन्यू। एक क्वेश्चन ऐड हो गया। अब वो तस्वीर के मुतालिक आ गया, इमेजेस के मुतालिक। अब वो कह रहा थी कि एक आपने अपनी पोर्टफोलियो भी लगानी है और इमेजेस भी लगानी है तीन। ये उसने आपको सिर्फ हेल्प की है, कहता है इसको देख लें, हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गूगल इमेज। ये बता रहा है कि कैसा होना चाहिए आपका। ये उसने एक वीडियो आपको दिखाई है। It only takes a few seconds to make a first impression. And as we all know, first impressions count. That's also true for your gig image. The more professional it looks, the better the impression you make. We are talking about this, we are saying that you have done whatever work you have done, show it in this image. Okay? So, let's close this. Do you have any questions? Yes, it looks like it. Now, let's see how it looks. After that, it will come. So, that's why it has an assistance. वो मैंने बंद कर दी विंडो। क्या कहता है, तीन इमेज लगा सकते हो, ठीक है। ये साइज भी आ रहा है इमेज का, कहता है 1280x769 रिकमेंडेड साइज है और मिनिमम इतना होना चाहिए, इतना जरूर होना चाहिए और ये रिकमेंडेड है 1280x769 पिक्सल्स। डिजाइनर है आपको पता है क्या चीज़ है। यहाँ पर तीन तस्वीरें आ रही हैं, वो कहता है जी यहाँ से आप तस्वीर पिक करो, लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ से पिक कर लेता हूँ। चलो ये लगा देते हैं फिलहाल। अभी हमारा मतलब हम लगा नहीं रहे, हमने कुछ भी नहीं करना। मैं सिर्फ अभी इस तरह आपकी दो तस्वीरें हो रहेंगी, ये मैंने आपसे कहा था इमेज डिज़ाइन अच्छे से बनाएंगे आप लोग। उसके बाद ये क्या आ गया आपके पास, वीडियो, और नीचे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट। यही दो चीज़ें बताई थी ना कि अपने पोर्टफोलियो का एक डॉक्यूमेंट बना लो और एक वीडियो बना लो। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हो। कुछ भी चल सकता है, ये तो आपने देखना है। अब जैसे ये देखे ना, इसके ऊपर ये लोगो है ना, देखिए अब इसकी कोई ग्राउंड नहीं है। बेसिकली आपके लोगो की ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, और आपका लोगो अगर लाइनों वाला होगा और ग्राउंड भी नहीं होगी तो वो इतना इंप्रेशन भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही है ना, तो लोगो ठीक होना चाहिए थोड़ा सा। आपके आप अपने लोगो का कलर चेंज कर रही हैं? नहीं, ये गलत बात है। मतलब एक बैकग्राउंड कलर दूसरा। नहीं, आप खुद सोचे ना कि किसी किसी एक कंपनी का दो लोगो बन गए ना, ये तो दो अलग अलग रंगों के साथ लोगो बन गए। आपको पता है कलर्स और डिजाइन ये कंपनी की पहचान होते हैं, कलर्स के साथ ही होता है। कई कंपनियों ने अपना जो स्टैंडर्ड कलर होता है ना, वो अपने पूरे ऑफिस में वो कलर किया होता है कि ये हमारा कलर है, तो तुमको पता लगे कि ये स्टैंडर्ड कलर है हमारा, ठीक है। वो तो कुछ भी हो सके, लेकिन आपने अब ड्रोन को तो नहीं ना आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपने अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड लोगो रखना है कुछ। आप इवन आप लोगों को फॉन्ट भी एक ही रखना, फॉन्ट भी पूरा, जब तक आप जब भी आपका कोई मटेरियल आए उसमें एक ही फॉन्ट चल रहा है।
लाजमी ये एक लोगो आपने अपना लगाना है, बाकी तो आप अपने काम लगाओगे ना, कि हमने ये काम किए होंगे मुख्तलिफ जो दूसरों के लोगोस बनाए हैं वो लगाओ, सिर्फ अपना ही नहीं लगाना, हाँ दूसरों के लगाने बिल्कुल। अभी हमने जो देखा भी है बिजनेस कार्ड, उसमें देखे कितने सारे बिजनेस कार्ड दिखा रहा था, तो उसका मतलब यही था ना कि काम किया हुआ है मैंने। आपने भी डिजाइन करनी है मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस कार्ड, उसका लगा दें, बना के लगा दें, ठीक है, जो चीज नजर आती है सामने, जो जेहन में आता है वाल वालों का बना के लगा दें, ठीक है। मतलब आप तो ये दिखा रहे हो ना कि ये क्रिएटिव वर्क आप कर सकते हैं। चलो जी, क्या कहता है जी, कहता है ये चेकबॉक्स को ऑन कर दे। अभी बाकी की चीजें मैंने छोड़ दी हैं, दो तस्वीरें भी और लगनी है, एक पोर्टफोलियो लगना है, एक डॉक्यूमेंट लगना है, बाकी लगेगी बाकी, बस पब्लिश करनी है और गीत तैयार है आपके। अब अगर आप पहली दफा होगे तो आपसे टेस्ट लेगा वो, समटाइम नहीं भी लेता, कुछ लोगों से नहीं लेता, कुछ लोगों से ले लेता है, ग्राफिक डिजाइनर बनने से वैसे मैंने कहा आमतौर पर लेता है, तो दो तरह के टेस्ट ले सकता है, एक भी ले सकता है, एक इंग्लिश का लेगा और एक ग्राफिक्स का लेगा, और इसमें तकरीबन अबाउट 30-40 क्वेश्चन होते हैं, और आपने बस ये देखना है कि इंग्लिश का टेस्ट अगर आप अकेले बैठ के दे सकते हैं तो फाइन, नहीं तो उसको साथ बिठा लें जो आपकी हेल्प करेगा, बस टेस्ट दे दें। 40 क्वेश्चन MCQs होंगे सारे, मतलब MCQ फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन देंगे आप, ठीक है। चलो तो मैं इसे पब्लिश नहीं कर रहा, ठीक, बस ये बंद कर देंगे, खत्म होगी बात। अब आपको गिग बना लेनी चाहिए, अब तो देखो ना, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, वेरी गुड, नहीं सबने बनानी है ना, पहले मंडे को एक गिग बनाकर दिखाएं और उसके बाद फिर ऐसे फुर्ती करेंगे बस साथ बना देनी है, कोई मसला नहीं है। आपको लगता है ना कि भाई हमने सात गिग्स लगा दी, मजा नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं हुआ, डिलीट कर दें, फिर नए सिरे से एक गिग लगा दीजिएगा, जितनी ज्यादा गिग्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी ना अच्छी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक ही सेशन में बैठें और बगैर किसी वर्किंग के साथ गिग्स लगाएं। सात गिग्स का मतलब है कि आपके पास आपने अपनी सात अपॉर्चुनिटीज बनानी है, कि आप क्या क्या काम करना चाह रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आपने गिग बनानी है, गिग इमेज डिजाइन करनी है, पोर्टफोलियो आपका एक ही रहेगा सबके लिए, वो तो नहीं चेंज होगा ना बार बार, मतलब पोर्टफोलियो तो नहीं चेंज करना आपने, पोर्टफोलियो तो आपने एक ही रखना है अपना, आपने अपना जो डॉक्यूमेंट तैयार किया होगा वो भी एक रखेंगे, लेकिन जब आप गिग बनाओगे तो उसके इमेजेस चेंज होंगे, गिग की डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, गिग का टाइटल चेंज होगा, गिग के कीवर्ड्स चेंज होंगे, क्वेश्चन FAQs चेंज हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो भी चेंज हो सकता है, बस ये गिग है, मैंने जुबानी आपको सारी बता दी है उसके अंदर क्या क्या होगा। चलो ठीक है।